press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारतीय शेरनी नाज़िया अली खान जी का दमदार और धमाकेदार इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। और बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर इस वक्त नाज़िया अली खान जी को हमने जहमत दी है, हम वक्त जाया किए बगैर इनको वेलकम कहते हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आपके फेवरेट और भारत की शेरनी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसी हैं आप? मातरम, भारत माता की जय। वालेकुम अस्सलाम, मैं अच्छी। बहुत लोगों के कोसने के बाद, पर्टिकुलरली मुसलमानों के बहुत कोसने के बाद भी मैं बड़ी मस्त हूँ। अच्छा, हमने जो लास्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम जो है उन्होंने कमेंट्स किए हैं और उन्होंने ये बोला है कि जी आप दोनों अपना नाम चेंज कर लें, आप अब जो है जिस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपको अपने नाम चेंज। हमने कौन सी ऐसी बात की है जो कुरान और हदीस से हटके की है? हमने हर चीज को कुरान और हदीस के अंदर रह कर बयान किया है कि अगर कोई उससे बाहर चलता है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें उससे खतरा नहीं, खतरा तो उस बंदे को है जो अपने ईमान की तजदीद वो करे कि जो कुरान और हदीस से हट रहा है। जिन्होंने मुजफ्फर भाई ये बात कही है, मैं उनको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि नाम और शक्ल वो छुपाते हैं जो गलत होते हैं। ना मैंने कभी कोई गलत बात कही है और ना ही हवाबाजी में बात कही है, सारे तथ्य और सत्य और प्रूफ के साथ मैंने अपनी बातों को रखा है। नाम उनको चेंज करने की जरूरत है जो मुसल्लातकारियों के समर्थन में गला चीख चीख करके वो और प्रोवोकेशन देते हैं कि वो और भी अश्लीलता का नंगा नाच कर सके। तो नाज़िया अली खान, मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले रही हूँ कि ना ही मैं नाम छुपाने वाली हूँ और ना ही किसी के बाप की औकात है जो मुझसे मेरी शक्ल छुपाने पर मजबूर कर सकता है, और इस्लाम किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि बहुत ज्यादा वाकयात हुए पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। इसी तरह की जो हमें कुछ बयानात पाकिस्तान के जो बहुत बड़ा एक जो लीडर हैं साद रिजवी साहब, तहरीक लबैक के अमीर हैं, उनकी एक वीडियो में देख रहा था, मुझे मेरे एक दोस्त ने सेंड की और उसके बाद में मुझे कुछ मैंने आपसे भी राबता किया कि ये भारत के अंदर क्या चल रहा है। तो हम आपसे पूरा वाक्या सुनेंगे कि ये पूरा वाक्या है क्या और इसकी हकीकत क्या है, आया वाकई उन्होंने कुछ ऐसे किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो साद रिजवी साहब हैं उनकी जो वीडियो है वो दिखाता हूँ, फिर बाद में एक साथ ही आपसे बात होगी। ये देखिए, वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात दो और उसको सजा दो। हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लबैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। कोई भी हो, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। देखो, तुमने बुलाए ना कभी, इसके बाद कभी नहीं। हम सबको इतनी दूर से बुला ले जाइए, भाई आए औरंगाबाद के साथ में धोखा हुआ है। परभणी से हम दूर से तरफ से आए, अभी हमारे घर पीछे से अभी वो काम कम से कम मुख्यमंत्री का छीनने का काम था। कम खुद आओ, इम्तियाज वली ने जो प्रेशर डालना था, कम से कम उन्होंने प्रेशर डालना था इम्तियाज वली साहब ने कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, आकर निवेदन लेना पड़ेगा, या फिर आपके कोई मंत्री है वरिष्ठ उनको यहाँ पर आके निवेदन देना पड़ेगा। ये कमिश्नर और ये कलेक्टर, मैं यहाँ पे रोज उनको जूते नीचे ये करता, धूल नहीं है मेरे जूते की, कमिश्नर आनी है। इम्तियाज जलील MIM, असदुद्दीन अवेसी और वारिस पठान और महाराष्ट्र के महाराज जी, रामगिरी महाराज जी, उन्होंने अपने प्रवचन में मैंने सुना भी नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। अभी आपने सबसे पहले पाकिस्तान के एक मुफ्ती का मुझे स्टेटमेंट सुनाया, ये जज्बे वाली कौम को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि जज्बे से जंगें नहीं जीती जाती हैं। अगर जज्बा इतना ही है तो आसमान से मंसलवा मंगवा करके उन गरीबों का पेट भर दो जो पाकिस्तान में भूखे और नंगे हैं। आसमान से मंसलवा मंगवा करके
उनका पेट भरो जो अरब में जाकर के भीख मांग रहे हैं, आसमान से मंसलवा मंगवा करके उनकी मदद करो जिनको हर एक देश से धक्के मार करके इसलिए निकाला जा रहा है कि वो चोरी चमारी कर रहे हैं दूसरे देशों में जा करके। अब आती है बात कि पाकिस्तान से निकला हुआ हर मुहिम, मेरे बारे में भी पाकिस्तान में चला था, ट्रेंड हुआ था, और उसके बाद फिर दृश्य भयंकर और भयानक कहां बने मेरे खिलाफ में, मेरी मॉब लिंचिंग कहां करने की कोशिश की गई, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पाकिस्तान की मुहिम का बीड़ा उठाया, अब ये भी पाकिस्तान से निकला, और उसके बाद इम्तियाज जलील, असदुद्दीन अवैसी और वारिस पठान ने ये पूरा एक काफिला निकाला। अब पहली बात कि पिछले जब से मैं आप लोगों के साथ बैठ रही हूं तो बहुत सारी चीजें जो है वो साफ हो रही हैं। अदरवाइज पहले आप लोग क्या सुन रहे थे कि भारत के मुसलमानों के पास तो कुछ है ही नहीं, खाने खाने को नहीं है। तो भैया जब खाने को नहीं है तो ये 1,00,000 गाड़ी लेकर के कैसे निकल गए हो, ये 60-60 FIR कैसे करवा रहे हो? आज मेरे ऊपर अगर 5-6 FIRs हुए हैं हेटरेट स्पीच के या ब्लास्फेमी के, तो उस केस को लड़ना तो पड़ेगा। 50,000 आदमी जो इकट्ठा कर रहे हो, वो 50,000 आदमी फ्री में तो नहीं आ रहा है, वो तो आपसे पैसे ले रहा है। जो तुम 50 मीडिया को बुला रहे हो, यूट्यूबर्स को बुला रहे हो, नेशनल मीडिया पैसे नहीं लेता है, लेकिन जो पेड यूट्यूबर्स है जो आप उसको बुला रहे हो, वो तो आपसे पैसे ले रहा है। उसके बाद जो थाना में जाकर के आप विदाउट एनी प्रूफ आप जो इतने सारे केसेस कर रहे हो, वो थाना वाला भी तो पैसे ले रहा है आपसे, तो ये पैसे आ कहां से रहे हैं? तो बंगाल में तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई बंगाल में बांग्लादेश के जमात इस्लामी भी मेरे खिलाफ में फंडिंग किया है इन लोगों को, और पाकिस्तान में तो ये मुहिम ही चली थी, तो डेफिनेटली अभी बांग्लादेश के इंटरिम सरकार और पाकिस्तान का बहुत अच्छा ट्रीटी साइन हुआ है, RDX वगैरह मंगवाया है पाकिस्तान के नए वजीर आजम ने। और महाराष्ट्र में क्योंकि बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और काफी पुरसुकून पसंद के मुसलमान रहते हैं, मैं महाराष्ट्र और बॉम्बे मतलब प्राय महीने में एक बार तो मैं 8-6 दिन के लिए मैं जाती ही जाती हूँ, और मुसलमान एरिया में ही मतलब मेरा फ्लैट भी है, बहुत ही पुरसुकून किस्म के मुसलमान रहते हैं, और कई बार तो नीचे खड़े होकर के मैं घंटों बात करती हूँ, कई मुल्लाओं से मुफ्तियों से मैं बात करती हूँ, तो उनको उनके जुबान पर या उनके रवैये से मुझे कभी मेरे लिए नफरत या किसी और धर्म के मानने वाले के लिए नफरत, या मेरा चेहरा इतना रेनाउंड है कि मेरी आवाज से भी लोग पहचान लेते हैं, अगर मैं मास्क लगा लेती हूँ तो मेरी आवाज से और मेरे टैटू से लोग पहचान लेते हैं कि आप नाजिया इलाही खान है ना, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। ये बेसिकली असदुद्दीन अवैसी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में 2 महीने के बाद इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, और ये जो इम्तियाज जलील है ये रामगिरी महाराज के पैर में तो कुछ दबा रहता था, रामगिरी महाराज की वजह से ही ये महाराष्ट्र में नेता बना है, रामगिरी महाराज के आशीर्वाद और कनेक्शन की वजह से ही, रामगिरी महाराज के दक्षिणा जिसको हम भीख बोलते हैं, दक्षिणा के वजह से ही ये महाराष्ट्र में अपना नेतागिरी चमका पाया है। और अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें ये अभी मुसलमानों का काफिला दिखा रहा है, बुरे तरीके से हारा था, ये देखिए सबूत है। रामगिरी महाराज का हाथ अगर इस इम्तियाज जलील के सर पर ना होता तो ये कभी जिंदगी में नेता नहीं बन पाता, क्योंकि रामगिरी महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे महाराज हैं जिसके पास जिनके पास सारे पॉलिटिकल फिगर जाते हैं, सारे पॉलिटिकल फिगर, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो उसी कनेक्शन से इम्तियाज जलील जो MIM का पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और अगर मुसलमानों का इतना ही दबदबा उसके पास है और मुसलमान इतने ही उसके पास पॉकेट में है, तो इतनी बुरी तरीके से हार क्यों गया था इस बार? एक्चुअली में अभी विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन नहीं पाया, बुरे तरीके से हारा है, तो अब वो मुसलमान जो अल कुरान के उनको बामायने नहीं पढ़ते हैं, वो मुसलमान जिन्होंने अल कुरान की आयतों को बामायने नहीं पढ़ा है, वो मुसलमान जो अल कुरान को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो इनके बहकावे में उतर के नीचे आ जाते हैं और अपनी जिंदगी में
कहीं ना कहीं एक बहुत खुफिया माहौल बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, खुद की जिंदगी खुद से खराब करते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, ये एक महीने में इतने लोगों को जुगाड़ किया, एक महीने में 30 दिन में इम्तियाज जलील ने इतने लोगों को जुगाड़ किया। और जुगाड़ करने के बाद जब ये वहां पर मेमोरेंडम देने के लिए गया तो भाई जो आला अधिकारी पुलिस ऑफिसर है वो मिलने तक नहीं आए इससे, और ये वहीं पर बाहर में जमा करके चला आया। तो आपने जो दूसरा वीडियो दिखाया है उसमें वारिस खान को वो मुसलमान बच्चे बिचारे जो मासूम है, जिनको अल कुरान में क्या लिखा हुआ है उनको पता नहीं है, तो लेकिन वो नबी के शान के लिए, उनकी इज्जत के लिए वो इनके कहने पर उतर करके चले आए हैं। वो तो कोई भी बताएगा, कोई भी बताएगा किसी भी मुसलमान को कि जी किसी ने ऐसे बेहुर्मती की है या तोहीन की है, तो वो उठ के निकल आएगा, वो तो उसकी बात पे यकीन कर लेगा। बिकॉज वो क्या होता है मुजफ्फर भाई, वो जज्बात की बात होती है जी। अब हमसे अगर कोई बोलेगा ना कि फलाना आप प्रूफ मांगेंगे, आप प्रूफ मांगेंगे क्या, क्या किया उसने, हम कहेंगे कि हम उसको एक नहीं हम 10 बार सुनेंगे, उसके बाद अगर मेरी मालूमात नहीं होगी तो हम उसको सर्च करेंगे कलामे पाक में। हर मुसलमान के घर में कलामे पाक होता है, पर बदकिस्मती हमारी इस बात की है कि हर मुसलमान के घर में कलामे पाक तो होता है पर वो ताक पर होता है, ना ही वो जुबान पर होता है, ना ही वो हाथ में होता है, ना ही वो उसकी आयतों के मतलब दिमाग में होते हैं, वो सिर्फ ताक पर ही होता है। तो अब वो बेचारे जज्बात में चले आए कि अब कौन 30 पारा पढ़ेगा और पता करेगा कि रामगिरी महाराज जी ने सच बोला है कि झूठ बोला है। अब वारिस पठान जी बोल रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं, इम्तियाज जलील बोल रहा है इतना बड़ा नेता है, असदुद्दीन अवैसी आ रहा है हैदराबाद से तो इतना बड़ा नेता है, तो चलो इनके पीछे पीछे चल लेते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, यहाँ तक के पुलिस ऑफिसर जो आला अधिकारी है वो आए भी नहीं मिलने के लिए, वो मेमोरेंडम जो था उन्होंने एक्सेप्ट, उनके जूनियर ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट कर लिया और बोला चलो पैर पटक के निकल पड़ो। तो बेसिकली हार, लोकसभा इलेक्शन हार गया इम्तियाज जलील, MIM का जो ये था नेता था। अब क्योंकि 2 महीने में विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में है, इसीलिए उन लोगों ने MIM के नेताओं ने मिल करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को मिसगाइड किया, मिसयूज किया और उनको रोड पर उतार दिया। अब देखिए इसमें खतरा भी है, ये तो अपना पॉलिटिकल राजनीति खेलते हैं। अब इसमें कोई बहुत बावला लड़का होगा, इसमें कोई बहुत इमोशन वाला लड़का होगा, तो इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? मुझे लगता है कि प्रशासन को और पुलिस को डायरेक्ट असदुद्दीन अवैसी को अरेस्ट कर लेना चाहिए कि ये आप भड़काव क्यों कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हमारे अल कुरान में ही लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बुतों को तोड़ रहे थे। अब अगर हम कुरान पा मायने पढ़ेंगे, मुसलमान अगर कुरान पा मायने पढ़ेंगे तब ना कहेंगे कि हाँ भाई ये लिखा हुआ है। अब अरबी आती नहीं है, 99% भारत के मुसलमानों को अरबी समझ में आती नहीं है। अब वो अरबी में पढ़ लेते हैं तो उनको समझ में आता नहीं है कि भाई इसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए किसी महाराज ने कहा कि इस आयत में, इस वर्सेस में ये बात लिखी हुई है कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने बुतों को तोड़ा था, अब वो खड़ा हो जाएगा कि ये तो गुस्ताखे नबी हो गया, ये तो गुस्ताखे पैगंबर हो गया। अरे भाई लिखा हुआ है, तुम भी पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम इस बात का है कि तुम अरबी में पढ़ रहे हो और तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज बहुत मतलब मुझे इस बात का बहुत डरावना सीन नजर आ रहा है मुजफ्फर भाई, जो मैं खुले अल्फाज में बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा है भारत के मुसलमानों को कंबाइंड करके। पहले तो वो अजमल कसब भेजता था, यासिन मलिक को अपना दलाल बना करके रखा था और लश्कर ए तैयबा से नरसंहार और जेनोसाइड करवाता था, अफजल गुरु जैसे लोगों को अपॉइंट करके रखा था। अब क्या कर रहा है पाकिस्तान कि भारत में रह रहे पुराने लोगों को, भारत में रह रहे पॉलिटिकल बड़े मुसलमान नेताओं को वो अपॉइंट कर रहा है अपने स्लीपर सेल के तरीके से, फंडिंग कर रहा है, और चुनिंदा लोग जो बहुत रिनाउंड हैं, जो बहुत फेमस हैं, जो जिनको लोग सुनते हैं, जिनके जिनके बातों को सुन करके बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनकी जुबान को बंद करने का तरीका पाकिस्तान ने रखा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह
नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा भारतीय शेरनी नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को उधेड़ के रख दिया बल्कि भारत में रह रहे जो भी मजहब के ठेकेदार हैं और जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं उनकी भी धज्जियां उड़ा के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।